ये तस्वीरें दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को बेचैन करने के लिए काफी हैं। ये पुतिन की सेना का दमखम है जो यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। अमेरिका को जिस बात का डर था, रूसी राष्ट्रपति ने आखिरकार वही किया। चीन और मंगोलिया के साथ मिलकर रूस ने सैन्याभ्यास किया, जिसमें उसने अपने टैंक से लेकर पनडुब्बियां और बड़े बड़े हथियार दिखाकर व्हाइट हाउस को बेचैन कर दिया। उसने चीन और भारत को बातों ही बातों में लाख मना किया कि वो रूस के इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा ना ले। लेकिन पुतिन के मामले में भारत और चीन कहां बाइडेन की सुनने वाले थे। वैसे भी भारत हमेशा से रूस के साथ अपना रुख साफ करते हुए चला आया है। यहां तक कि जब पूरी दुनिया ने यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा की और अमेरिका बार बार इस पर भारत से समर्थन मांगता रहा, तब भी भारत ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि युद्ध की स्थिति में वो किसी भी देश के साथ नहीं है। पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वो भारत और चीन के साथ मिलकर अमेरिका को संदेश देना चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा रूस अब भी किसी हाल में कमजोर नहीं हुआ है। वो किसी भी स्थिति से पीछे नहीं हटेगा और न ही यूक्रेन के आगे घुटने टेकेगा। उधर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका चीन को आंख दिखा चुका है। हाल ही में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से अमेरिका ने चीन को साफ संदेश दे दिया था कि वो यूक्रेन जैसी गलती ताइवान के साथ नहीं करेगा। ड्रैगन पहले ही अमेरिका से बौखलाया हुआ है, इसलिए रूस के साथ किए अपने सैन्य अभ्यास से उसने भी अमेरिका को बता दिया कि चीन से पंगा लेना उसे भारी पड़ सकता है। चीनी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि बीजिंग ने 300 से ज्यादा सैन्य वाहनों, 21 लड़ाकू विमानों और 3 युद्धपोतों के साथ 2000 से अधिक सैनिकों को अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भेजा है। रूस के साथ हो रहे इस सैन्य अभ्यास में जल्द ही भारत भी शामिल होने वाला है। भारत की तरफ से इस ड्रिल में 75 सैनिक वाले मजबूत दल को भेजा गया है। गोरखा सैनिकों के अलावा भारतीय नौसेना और वायुसेना के प्रतिनिधि दल भी युद्धाभ्यास में हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना और नौसेना ने अपना कोई उपकरण रूस नहीं भेजा है। वहीं रूस के इस युद्धाभ्यास का मकसद ये भी दिखाना है कि यूक्रेन में युद्ध में उसके सैनिकों के भाग लेने के बावजूद उसके पास पर्याप्त सैन्य ताकत है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वोस्तोक 2022 अभ्यास रूस के सुदूर पूर्व और जापान सागर में 7 फायरिंग रेंज में 7 सितंबर तक चलेगा। इस अभ्यास में 50,000 सैनिक, 140 विमान और 60 युद्धपोत समेत 5,000 हथियार इकाइयां हिस्सा लेंगी। बहरहाल भारत, चीन और रूस यानी तीनों शक्तियों के साथ में मिलकर सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज को करना अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल आज तक।